नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी किसी WhatsApp में इमेज या फिर वीडियो को डाउनलोड करते हैं और आपके सामने कुछ इस तरह का एरर आ जाए, डाउनलोड फेल रिट्राई, तो इस एरर को कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए गाइस, हम इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या काम करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में वीडियो को लाइक कर देना। चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद आपको अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना होगा। व्हाट्सएप ओपन करने से पहले अगर यहाँ पर देखिए, आपको एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है चेक कर लेना होगा। यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपका इंटरनेट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। उसके लिए आपको एक बार अपना एयरप्लेन मोड ऑन करना होगा, फिर इसे ऑफ कर देना होगा। अब गाइस, ये करने के बाद आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना होगा। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको 3 डॉट पर टैप करना होगा और फिर सेटिंग्स में आ जाना होगा। यहाँ पर आने के बाद गाइस, अब क्या काम करना होगा आपको, आना होगा यहाँ पर, आपको चैट्स में आ जाना होगा। चैट्स में आने के बाद यहाँ पर आपको ऐप लैंग्वेज के नीचे आपको देखने मिल जाएगा चैट बैकअप। तो यहाँ से आपको अपने चैट्स को बैकअप करना होगा। बैकअप करने के बाद आपको देखना होगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। अगर हो जाती है अच्छी बात, अगर नहीं होती, आपको यहाँ से अपनी सेटिंग्स ओपन कर लेनी होगी। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको ऐप्स में आना होगा। ऐप्स में आने के बाद आपको आ जाना होगा मैनेज ऐप्स में। गाइस, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको व्हाट्सएप जो है सर्च कर लेना होगा। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप देखिए, मैंने अपना व्हाट्सएप जो है सर्च कर लिया है। अब आपको यहाँ पर आना होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको स्टोरेज में जाना होगा। स्टोरेज में जाने के बाद आपको इसका क्लियर ऑल डाटा कर देना होगा। क्लियर ऑल डाटा करने के बाद गाइस, आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपको रिस्ट्रिक्टेड डाटा यूजेज पे आना होगा। और यहाँ से जो है आपको देखना होगा कि अगर आपका इनमें से कोई ऑप्शन ऑफ नहीं है, तो आपको देखना होगा, आपको जो है अगर आपका ऑफ हुआ ये ऑप्शन, तो गाइस आपको दोनों ऑप्शन को अनेबल कर देना होगा। अनेबल करने के बाद आपको ओके पे टैप कर देना होगा। ओके पे टैप करने के बाद आपको देखना होगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। अगर हो जाती है ठीक है, अगर नहीं होती, आपको अपने मोबाइल को जो है यहाँ से रिबूट कर देना होगा। रिबूट करने के बाद आपकी प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो मेरे को आपको इतना ही बताना। तो होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।